फ्रेंड्स, खेल परिदृश्य का ये दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो को आप ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। आई बटन को टच कीजिए, वहाँ पर पहला वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही में ई दृष्टि करंट अफेयर्स रिमाइंडर की वहाँ पर जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। 10 से 17 अक्टूबर 2020 के मध्य 11वां इंडोर क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। 31 जनवरी 2020 से 2 फरवरी 2020 के मध्य महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता गोल्डन गर्ल्स चैंपियनशिप 2020 जो कि स्वीडन के बोरास में संपन्न हुई थी, इसमें जूनियर एवं युवा मुक्केबाजों ने कितने स्वर्ण सहित कुल 14 पदक जीते थे? तो 6 स्वर्ण सहित 14 पदक जीते थे, यानी कि 6 स्वर्ण पदक थे प्लस 8 जो है अन्य पदक थे, तो इसमें 14 पदक टोटल जीते थे। और अगला है कि 21 जनवरी 2020 को सोमबोर सर्बिया में सम्पन्न महिलाओं की ए श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता 9वीं नेशंस कप 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर भारत ने 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 रजत पदक है और 2 जो है वो कांस्य पदक है। अगला है 21 जनवरी 2020 में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 टूर्नामेंट का मुख्य प्रायोजक नियुक्त किया गया। इस सीरीज का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो आयुक्त बनाया गया है सुनील गावस्कर को। 28 जनवरी 2020 को बर्लिन जर्मनी में संपन्न साइकिलिंग स्पर्धा सिक्स डे बर्लिन में 2020 में किस भारतीय साइकिलिस्ट ने पुरुषों की केरिन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका उत्तर होगा एसओ अल्वेन ने। और 10 से 22 जनवरी 2020 के मध्य गुवाहाटी असम में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान में रहा है, जिसमें से 256 जो है पदक हासिल किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। 78 स्वर्ण है, 77 रजत है और 101 जो है कांस्य पदक इसमें शामिल है। और नेक्स्ट है कि 22 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया में संपन्न निशानेबाजी प्रतियोगिता जिसका नाम मेटन कप 2020 था, इसमें 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक इसने जीता। तो मेटन कप प्रतियोगिता जो कि 10 मीटर एयर राइफल पर स्पर्धा थी, इसमें महिला वर्ग का जो है स्वर्ण पदक जीता है अपूर्वी चंदेला ने जो कि भारत से हैं, और दिव्यांश सिंह परमार ये भी भारत के हैं, इन्होंने जो है वो पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 15 से 18 जनवरी 2020 के मध्य रोम इटली के रोम में संपन्न हुई रोम रैंकिंग सीरीज में किन भारतीय पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीते? तो बजरंग पुनिया ने जीता है 65 वर्ग किलोग्राम भारत में, और रवि कुमार ने 61 किलोग्राम में जीता है। वहीं विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। और महिला स्पर्धा भी ये रही है विनेश फोगाट और गुरप्रीत सिंह जो है 82 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। और नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2020 को भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जो कि राइफल एवं पिस्टल बेस्ड थी, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो उत्तर प्रदेश के सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे 4 फरवरी 2020 को वासिम जाफर रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। यह उपलब्धि उन्होंने विदर्भ की ओर से खेलते हुए किसके विरुद्ध मैच में हासिल की? तो विदर्भ की ओर से क्या कहते हैं ये खेल रहे थे और इसमें जो है उन्होंने केरल के विरुद्ध मैच खेला था। तो इनका नाम है वसीम जाफर, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज के रूप में उपलब्धि हासिल की है। 29 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाली महिला अथवा पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है जो कि कनाडा से संपर्क संबंध रखते हैं, इनका नाम है क्रिस्टीन सिंक्लेयर। और अगला है कि 22 दिसंबर 2019 को संपन्न भारत वेस्ट इंडीज के मध्य आयोजित 3 वनडे मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की। इस वनडे श्रृंखला में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? इसका उत्तर होगा रोहित शर्मा। 22 दिसंबर 2019 को संपन्न भारत वेस्ट इंडीज के मध्य आयोजित वनडे मैचों की श्रृंखला में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों में बतौर सलामी बल्लेबाज एक कैलेंडर वर्ष 2019 में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया और श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज सनत जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ा? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। इसी मैच की ये बात है। अगला है कि 6 से 11 दिसंबर 2019 के मध्य संपन्न भारत वेस्ट इंडीज के मध्य आयोजित T20 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की। इस T20 श्रृंखला में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है विराट कोहली को। और नेक्स्ट है कि 19 दिसंबर 2019 को फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था जिसको फीफा कहते हैं, फीफा ने किस देश की फुटबॉल टीम को वर्ष 2019 के लिए फीफा टीम ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा बेल्जियम, और बेल्जियम को लगातार दूसरी बार जो है ये खिताब प्राप्त होने वाला है।
और नेक्स्ट है कि 19 दिसंबर 2019 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में किस महिला निशानेबाज ने मेहुली घोष और पूर्वी अपूर्वी चंदेला को पछाड़कर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो हिमाचल प्रदेश की जीना खिट्टा ने यह खिताब हासिल किया है। और अगला है कि 24 दिसंबर 2019 को कतर दोहा में संपन्न वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल कप 2019 के 6वें संस्करण में किस भारतीय महिला भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता। तो इसका उत्तर होगा मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में ये पदक जीता है। अगला है कि दिसंबर 2019 में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने 2022 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल को पुनः शामिल करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ से प्रस्ताव मांगा। तो इसका उत्तर होगा निशानेबाजी।